करोड़ों सामने देखकर पति बड़ा हल्का लग रहा था ना, इतना भारी प्यार कहां से जाग उठा? सुमो जी, ना ही पति पे प्यार आना गुनाह है और ना ही लड़की का अपने ससुराल आना गुनाह है। गुनाह ये बताते हैं, फिल्म देखते हैं। रिचो की अपने पति को इन 100 करोड़ के लिए के सारे तुम्हारे, ये तुम्हारे और सुमेंद्र के डिवोर्स पेपर है। ये तो गुनाह है ना, हा? और ये तुमने कबूल भी किया है। अब ये बताओ कि साबित कैसे करूं कि इसमें तुम नहीं हो? सुमो जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। ए सुमेंद्र बचपन, अरे वो भी तो इंसान है, तुमका पति मानती है। ये जिसने कागज के टुकड़ों के लिए अपने पति को बेच दिया वो इंसान है? सुन लो, शादी उसी दिन होगी उसी तय तिथि पे। अब दोबारा हमको कोई नौटंकी नहीं चाहिए। वो पागल लड़की दोबारा इस घर में ना घुस जाए। इस घर को पागल खाना समझ के रखी है वो। वो कहते हैं ना, ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, यही उस पागल लड़की ने किया, उसकी यही मंशा है। इंदिरा जो है ना पगलाई हुई है, संकी दिमाग है उसका, और हमको ये मंशा बिल्कुल पसंद नहीं। अब हम तुम्हारी शादी में कोई अड़चन नहीं आने देंगे। बहुत बहुत संतोष है जी। इंदिरा के बिना ये शादी कैसे हो सकते है? हाँ बाबूजी, हमें इंदिरा को तो ढूंढना ही पड़ेगा ना। अरे ये सब तुम मुझ पे छोड़ दो। क्या हुआ सुमेंद्र? वो किसी लड़के का फोन था, खैर तो समर के बारे में जानता, हम मिलकर आते हैं। हाँ सुमेंद्र, मुझे इंदिरा दीदी की बहुत चिंता हो रही है सुमेंद्र, तो प्लीज उसे जल्दी से ढूंढ कर ले आओ। दुस्यान, ओए दुस्यान, इधर सोजी मैडम के रिश्तेदार हैं। मुझी हमारा मतलब है मेनजी, मेनजी सुजी मैडम के रिलेटिव हैं आप? Yes, I सुजी रिलेटिव। अंग्रेजी बोलती है मतलब रिलेटिव ही होगी। नमस्ते मुजी मैडम जी। ग्रैंडमदर? उनको ना बेहुद्दी आशीर्वाद देंगे, हम मारेंगे आज, नहीं चप्पल किसी पे पड़ना है। अरे अब हमें क्यों मार रहे हैं? हम तो आपके शुभ चिंतक है। वेलवे सर, वेलवे सर। तो का पूजा करें, थाली मंगाए, तुम्हारा आरती उतारे? अरे आरती तो वो उतार रही है आपकी। आते ही तुम्हारा पहाड़ा शुरू हो गया। ए वो कौन तौन है, कौन वो? अरे वही जो आपकी चप्पल की छेद की तरह आपकी किस्मत में भी छेद करने में लगी है। होल होल बिग होल। करेगी बकैती तू? हम बकैती नहीं कर रहे, हम आपको सच्चाई बता रहे कि सूजी सरोनी सूजी है। ये दोनों एक ही इंसान है, शिक्षक के एक ही पहलू है। आप जानते हैं जब हम दिल्ली पहुंचे एयरपोर्ट फॉरेन की फ्लाइट लेने, तब हमें पता चला घायल चिड़िया की तरह इंतजार करते रहे। आप जानते हमें कितना रोना आया, और सूजी ने जिस आदमी से मिलने के लिए कहा था वो आदमी भी नहीं आया। तब हमें शक हुआ और हमने वो 100 करोड़ चेक किए, और पता चला वो पैसे भी नकली थे। हाँ तो सावन को अंधे को ना हर जगह हरियाली ही हरियाली नजर आता है, तुमको ना नकली नोट दिया होगा मैडम जी ने, हमको तो असली दी थी। गिने हम आप जानते, उसके बाद
हम दिल्ली भी गए थे सरोजनी के मामा के घर और वहां हमें पता चला। माई पैसा दे दो ना माई। शुक्रिया माई। माई वो आपकी प्यारी भांजी थी ना सरोजनी, वो कहा है? वो ना हमें बहुत अच्छे पुराने कपड़े दिया करती थी। सरोजनी की तो कब की शादी हो गई, अब वो अपने ससुराल प्रतापगढ़ गई और अब भी वहीं है। तब हमारा शक पूरा यकीन में बदल गया कि वो सरोजनी सूजी बन के यहाँ आई हुई है।